भाई 56वीं वीडियो है ये लक्ष्मीकांत की किताब। आई होप आपने खरीद ली होगी। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, इसके बारे में बात करेंगे। यानी वो सर्कमस्टांसेस जहां पे पार्लियामेंट को ताकत मिल जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में, सेवेंथ शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट है उसमें मेंशन लॉस के ऊपर नियम कानून बना सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, यानी कि जो भी नियम कानून बनाने की ताकत स्टेट लेजिस्लेचर के पास है उसके ऊपर सेंटर का कितना कंट्रोल है। आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, लेजिस्लेटिव पावर सेंटर और स्टेट के बीच में बटी हुई है, और नॉर्मल टाइम्स में लेजिस्लेटिव पावर कैसे बटती है, कैसे काम होता है, इसको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया यूनियन लिस्ट के बारे में, स्टेट लिस्ट के बारे में, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, लेकिन वो बात हो गई नॉर्मल टाइम्स की। कभी कभी ऐसी एग्जीगेंसीज आ जाती है, ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहां पे चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है, थोड़ी नॉर्मल से वो हटके हो जाती है। और जब सर्कमस्टांसेस नॉर्मल से हटके होंगे उस समय पे जो हमारा संविधान है वो देश की नेशनल यूनिटी, सोवरेनिटी और एक प्रॉपर गवर्नेंस फ्रेमवर्क को बचाए रखने के लिए पार्लियामेंट को ताकत देती है कि वो कुछ सर्कमस्टांसेस में स्टेट लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट्स के ऊपर नियम कानून बना सकते हैं। और वो सर्कमस्टांसेस 5 हेड में डिवाइडेड है। पहला, व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन। दूसरा, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। तीसरा, व्हेन स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट। चौथा, टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। पांचवा, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। एक एक करके हम पांचों देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन। देखिए, राज्यसभा में बैठता कौन है? राज्यसभा में बैठते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको चुन के भेजती है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पे स्टेट्स को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलता है राज्यसभा में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स की बात कर लीजिए, तमिलनाडु जैसे स्टेट की बात कर लीजिए। इन स्टेट्स में आप देखिए दोस्तों, इनफैक्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भी बात कर लें, इन स्टेट्स में जो अभी सेंटर की जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो नहीं है, वहां की रीजनल पार्टीज इन स्टेट्स की सरकार को डोमिनेट करती हैं। तो वहां की रीजनल पार्टीज के पास ये ताकत है कि वो राज्यसभा में अपने मन के रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज सकती हैं। तो राज्यसभा में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे वो स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो नियम रखा गया है, अगर पार्लियामेंट को एक ताकत देनी है कि वो स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सके, तो राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। अब वो राज्यसभा का रेजोल्यूशन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यहाँ स्पेशल मेजोरिटी की बात नहीं हो रही। राज्यसभा में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, उनकी 2/3 मेंबरशिप से वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। राज्यसभा में अगर एक ऐसा रेजोल्यूशन पास हो जाता है जिसमें से जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनमें से 2/3 ने वोटिंग दी और 2/3 लोगों ने मेजोरिटी से बोला कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पार्लियामेंट को नियम कानून बनाना चाहिए स्टेट लिस्ट के ऊपर, उस केस में पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर नियम कानून बना सकता है। एक बार राज्यसभा ने एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया तो 1 साल के लिए वो रेजोल्यूशन फोर्स में रहेगा। इस रेजोल्यूशन को कितनी भी बार पास कराया जा सकता है, बट एक टाइम पे 1 साल के लिए। तो मान लीजिए राज्यसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया, एक नियम कानून बना, उसके तहत एक नियम कानून बना, वो नियम कानून की वैलिडिटी रहेगी 1 साल। लेकिन उस नियम कानून को देखिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है आगे, हर बार एक्सटेंड किया जाएगा केवल 1 साल के लिए। और जब वो रेजोल्यूशन खत्म हो जाएगा, मान लीजिए जो रेजोल्यूशन लिया गया, जिस रेजोल्यूशन के तहत पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई लॉ स्टेट लिस्ट पे फोर्स में लाया गया, और मान लीजिए 1 साल वो रहा, फिर बाद में 1 साल फिर से रहा, फिर रहा, एक समय ऐसा आएगा जब राज्यसभा उसको एक्सटेंड नहीं करेगा। तो जब राज्यसभा उसको एक्सटेंड नहीं करेगा उस रेजोल्यूशन के, तो रेजोल्यूशन के एक्सपायर होने के 6 महीने के बाद वो जो नियम कानून बने थे ना उस रेजोल्यूशन के थ्रू वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। समझिए दोस्तों, द लॉ सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज सीज्ड टू बी एनफोर्स्ड। यानी आपने रेजोल्यूशन लिया, एक लॉ बनाया, लॉ बनाने के बाद वो रेजोल्यूशन 1 साल तक रहा, आपने एक्सटेंड किया तो किया, अगर आपने एक्सटेंड नहीं किया रेजोल्यूशन खत्म हुआ, तो रेजोल्यूशन खत्म होने के 6 महीने के बाद वो जो भी नियम कानून उस रेजोल्यूशन के थ्रू बने थे वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक और खास बात है, भले ही ऐसा कोई रेजोल्यूशन बना रखा है राज्यसभा में, उसके बाद जिस भी सब्जेक्ट पे वो रेजोल्यूशन बना रखा है राज्यसभा में, ऐसा नहीं है कि उस सब्जेक्ट के ऊपर फिर स्टेट लेजिस्लेचर नियम कानून नहीं बना सकते, तब भी स्टेट लेजिस्लेचर उसके ऊपर नियम कानून बना सकते हैं। तो भले ही राज्यसभा के कहने पे एक रेजोल्यूशन पास कराया गया और पार्लियामेंट ने एक नियम कानून बना दिया, उसके बाद भी उसी सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर भी नियम कानून बना सकता है, बट दोनों के बनाए हुए नियम कानूनों में अगर कोई मिसमैच है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्लैशेस आ रही है, तो उस केस में जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया नियम कानून था उसको वरीयता मिलेगी, उसको इंपॉर्टेंस मिलेगी।
तो ये तो हमने बात कर ली व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेगुलेशन, उसके बाद करते हैं ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या होगा। देखिए अच्छा एक और बात है दोस्तों, यहाँ पे जब व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन वहां पे जो लाइन लिखी है वो ये है दैट पार्लियामेंट शुड मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को यहाँ से अलग वरीयता इसलिए दी गई है क्योंकि देखिए फंडेड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर आया गया। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एक्ट है जिसके चलते स्टेट की जो टैक्स लगाने की ताकत है वो बहुत हद तक पार्लियामेंट के पास आ गई है। लेकिन अगर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ बदलना है तो उसमें जीएसटी काउंसिल एक मेजर रोल प्ले करती है। जीएसटी काउंसिल में 66% 2/3 ऑफ द वेटेज आपकी दी गई है स्टेट लेजिस्लेचर को। तो उस केस में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्टेट्स जीएसटी के अंदर के किसी लॉ को हो सकता है वो अमेंड ना करें या अमेंड ना होने दें। तो उस केस में अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करता है कि नहीं भाई ये कानून बदलना चाहिए तो पार्लियामेंट कानून बदल सकती है। लेकिन वही बात है कि कानून बदलेगी भी तो रेजोल्यूशन रहने तक वो कानून रहेगा। अगर रेजोल्यूशन लैप्स होता है तो रेजोल्यूशन लैप्स होने के 6 महीने के अंदर जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया था वो भी लैप्स हो जाएगा। ओके, नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट नियम कानून बना सकता है। देखिए नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ये बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में आएगी। आप देखिए आज के डेट में कहां इमरजेंसी, लास्ट टाइम कब आई थी 75 भैया इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी उस समय पे। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ताकतवर हो जाती है। नेशनल इमरजेंसी बहुत एक्सट्रीम सेट में लगाई जाती है। जब कारगिल वॉर हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी थी, लेकिन 1975 से 77 में लगाई गई। जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ताकत हो जाएगी। उस समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकती है, या फिर अगर डिसॉल्व नहीं किया तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में चली जाएगी। और मान लीजिए अच्छा हाँ, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया गया नेशनल इमरजेंसी के दौरान में तो वो एग्जिस्ट करेगी। उस एग्जिस्टेंस के दौरान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे तो कुछ नियम कानून पर बातचीत कर सकती है, बट वो नियम कानून किसी भी तरीके से उन नियम कानूनों के साथ क्लैश नहीं करने चाहिए जो इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा रखे। ठीक है, उसके बाद नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो भी नियम कानून स्टेट लिस्ट पे सेंटर ने लगा रखे हैं, नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने के बाद वो नियम कानून भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इमरजेंसी के दौरान जो भी नियम कानून स्टेट लिस्ट पे सेंटर ने बनाए, इमरजेंसी जब खत्म होगी 6 महीने के अंदर वो नियम कानून भी खत्म हो जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। जब स्टेट्स रिक्वेस्ट करें, कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आ सकते हैं जहां पे एक स्टेट या एक से ज्यादा स्टेट्स मिलके एक रेजोल्यूशन पास करें अपनी स्टेट लेजिस्लेचर में, और उस रेजोल्यूशन को पास करके वो पार्लियामेंट से बोलें कि देखिए ये जो मैटर है इस मैटर पे आप नियम कानून बनाइए और आप जो नियम कानून बनाओगे उसको हम मानेंगे। ठीक है ना, तो कुल मिला के कुछ स्टेट असेंबलीज या एक स्टेट असेंबली एक रेजोल्यूशन को पास कर सकते हैं अपने लेजिस्लेचर में, और उस रेजोल्यूशन के थ्रू वो पार्लियामेंट को ताकत दे सकते हैं कि उनके लिस्ट में सिचुएटेड किसी सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट ताकत बना सकता है। लेकिन अगर ऐसे किसी सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट ने नियम कानून बना दिया उसके बाद उस नियम कानून को हटाने की ताकत, रिपील करने की ताकत या उस नियम कानून को अमेंड करने की ताकत भी सिर्फ पार्लियामेंट की होगी, फिर स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए उस नियम कानून को ना रिपील कर सकता है और ना ही वो बदल सकता है, ना ही वो उसको अमेंड कर सकता है। तो कुल मिला के मतलब ये है दोस्तों कि अगर एक बार स्टेट्स ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट कर दी और अपनी स्टेट लिस्ट में सिचुएटेड किसी लॉ पे किसी भी सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट को ताकत दे दी लॉ बनाने की, तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को उस सब्जेक्ट पे ताकत नहीं रह जाएगी, फिर पार्लियामेंट ही उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगा। ओके, सो द स्टेट लेजिस्लेचर सीजेस टू हैव द पावर टू मेक अ लॉ विद रिस्पेक्ट टू दैट मैटर। अगर एक मैटर पे रेजोल्यूशन पास करके आपने पार्लियामेंट को ताकत दे दी तो दोबारा आप उस मैटर पे नियम कानून बना नहीं सकते। इस रेजोल्यूशन का मतलब यह हो गया कि स्टेट लेजिस्लेचर अपनी खुद की ताकत जो थी उस मैटर पे नियम कानून बनाने की, वो अपनी खुद की ताकत को वॉलेंटरली अपडिकेट कर रहा है, सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट, और फिर पार्लियामेंट ही उस मैटर पे नियम कानून बनाएगा। एक खास बात यहाँ पे दोस्तों, देखिए हो सकता है कि कोई एक स्टेट ऐसा रेजोल्यूशन पास करे या 2 से 3 स्टेट्स ऐसे रेजोल्यूशन पास करे, तो जो स्टेट्स ये रेजोल्यूशन पास करेंगे केवल उनके ऊपर ही पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया नियम कानून लागू होगा। जिन स्टेट्स ने ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया उनके ऊपर लागू नहीं होगा। मान लीजिए 2 से 3 स्टेट्स ने उत्तर प्रदेश, यूपी बिहार राजस्थान ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया,
और किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट को ताकत दे दी कि आप नियम कानून बनाइए। तो पार्लियामेंट जो भी नियम कानून बनाएगी वो इन तीन स्टेट्स में एप्लीकेबल होगा। कल की डेट में आंध्र प्रदेश भी एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कर देता है कि भाई ये जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ नियम कानून इन तीन स्टेट्स में चल रहा है, ये हमारे स्टेट में चले तो वहां पे भी चलने लगेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक बार ये रेजोल्यूशन पास हो गया तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को उस मैटर पे नियम कानून बनाने की कोई ताकत नहीं है, और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी ताकत कम नहीं करना चाहेगी। तो इस तरीके के जो नियम कानून है, इस तरीके के जो रेजोल्यूशन है, वो स्टेट लेजिस्लेचर ना के बराबर ही पास करते हैं। कुछ नियम कानून ऐसे बनाए गए हैं जैसे कि प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट 1955, एक इम्पॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, इस तरीके के और भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। देखिए भैया, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, फॉरेन अफेयर्स, ये सब किसका डोमेन है? यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है भाई, पूरी तरीके से पार्लियामेंट के हाथ में आता है। तो भैया अगर किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना, किसी एग्रीमेंट को, किसी कन्वेंशन को मेंटेन करना है, तो वो पीसफुल रिलेशन के लिए जरूरत होता है। उस केस में उस कन्वेंशन को अप्लाई करने के लिए देखा जाए तो टेक्निकली पहले जो एक यूनियन गवर्नमेंट है वो एक स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगी कि देखिए हम लोगों ने ये एक फॉरेन एग्रीमेंट साइन किया है, इसके लिए इन इन चीजों की जरूरत है, आप हमारी मदद करिए। इन केस स्टेट गवर्नमेंट से मदद नहीं मिलती है, उस केस में पार्लियामेंट को एक ताकत दी है हमारे संविधान में कि भाई इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स और कन्वेंशन को फुलफिल करने के लिए, उनको पूरी तरीके से पूरा करने के लिए स्टेट लिस्ट के किसी एक मैटर पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ लॉ पार्लियामेंट बना सकता है। तो अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस और कमिटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कर सकती है इंटरनेशनल फील्ड में, और उसके लिए वो स्टेट लिस्ट के किसी एक सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट भी कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947। भाई यूनाइटेड नेशंस का कोई एक वर्किंग पर्सन इंडिया में आया है और इंडिया में आके बिहार में जाके उसने कोई क्राइम कर दिया, तो भैया यूनाइटेड नेशंस का जो इंडिया मेंबर है वहां पे इंडिया ने कुछ ऑब्लिगेशंस कर रखे हैं कि हाँ भाई यूनाइटेड नेशंस के जो भी लोग हैं वो जहां पे भी पोस्टेड होंगे उनको हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। अब बिहार में जाके उस यूनाइटेड नेशन वाले पर्सन ने कोई क्राइम कर दिया, बिहार सरकार की पुलिस ने पकड़ लिया उसको और बोला हम तो उसको जेल में बंद करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, आप जेल में बंद नहीं कर सकते, यूनाइटेड नेशंस के जो लोग हैं उनको इंडिया में इम्यूनिटी प्राप्त है, इसलिए इस पर्सन को आपको छेड़ना ही पड़ेगा। तो भले ही पुलिस लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट लेजिस्लेचर का सब्जेक्ट है, बिहार पुलिस के जुरिसडिक्शन में है वो आदमी, उसको पकड़ के सजा देना बिहार की पुलिस के ताकत में है, बट उसके बाद भी बिहार की पुलिस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सेंटर की रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है उस पर्सन को बताना, क्योंकि सेंटर ने यूनाइटेड नेशंस के साथ एक प्रॉपर ट्रीटी साइन कर रखी है जिसके चलते यूनाइटेड नेशंस के जो एम्प्लॉयज हैं उनको इंडिया के अंदर इम्यूनिटी मिलेगी। इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे सकता। ऐसे और भी बहुत से नियम कानून है जैसे कि जनेवा कन्वेंशन 1960, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982, ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी लॉज हैं, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सुना होगा आपने। फिर आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल। भैया प्रेसिडेंट रूल के दौरान भी अगर किसी एक स्टेट में आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया, तो उस केस में स्टेट लिस्ट में मेंशन किसी सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट को ताकत मिल जाती है नियम कानून बनाने की, ठीक है। तो 356 इम्पोज है, 356 चलते जो स्टेट लेजिस्लेचर उसको सस्पेंड कर दिया, पार्लियामेंट में ताकत हो गई, पार्लियामेंट ने उस स्टेट के लिए कोई नियम कानून बनाया। बाद में मान लीजिए एक सरकार चुन के आई और ये जो प्रेसिडेंट रूल था ये खत्म हो गया, तो प्रेसिडेंट रूल के दौरान जो नियम कानून बना है क्या वो प्रेसिडेंट रूल के खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगा? क्योंकि इससे पहले वाले जो एग्जांपल्स मैंने देखे थे वहां पे मैंने आपको बताया था कि रेजोल्यूशन जब खत्म हुआ या इमरजेंसी खत्म हुआ उसके 6 महीने के अंदर नियम कानून भी खत्म हो गया, बट यहां ऐसा नहीं होगा। प्रेसिडेंट रूल के दौरान कोई नियम कानून अगर वो बना है तो वो बाद में अनलिमिटेड टाइम के लिए वैलिड रहेगा, सब्जेक्ट टू वन कंडीशन कि जो स्टेट लेजिस्लेचर उसके बाद टेक ओवर करेगा, चाहे वो पहले वाला स्टेट लेजिस्लेचर हो जिसको प्रेसिडेंट रूल के थ्रू सस्पेंड किया गया था, या कोई नया स्टेट लेजिस्लेचर हो जो फ्रेश जनरल इलेक्शन से आया हो, वो स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो प्रेसिडेंट रूल द्वारा बनाए गए या प्रेसिडेंट रूल के समय पे बना पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए नियम कानून को अल्टर कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं। समझ गए? मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर हट गया, प्रेसिडेंट रूल बन गया, प्रेसिडेंट रूल के दौरान पार्लियामेंट ने उस स्टेट के लिए नियम कानून बनाए, उन नियम कानून की वैलिडिटी प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद भी रहेगी। बस एक शर्तों में उन नियम कानून को हटाया जा सकता है कि जो नई स्टेट लेजिस्लेचर आएगी या वही पुरानी स्टेट लेजिस्लेचर जिसको हटाया गया, अगर मान लीजिए वो फिर से आ गई, किसी कोर्ट ने जजमेंट दे दिया इसलिए, तो उस स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये ताकत होगी कि प्रेसिडेंट रूल के दौरान जो भी नियम कानून बनाए गए थे उन नियम कानूनों को वो बदल सकते हैं, रीइनेक्ट कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, पूरी तरीके से खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे सेंट्रल्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन की।
तो स्टेट लेजिस्लेचर के सब्जेक्ट के ऊपर कैसे पार्लियामेंट नियम कानून बना सकती है, ये तो हमने देख लिया। जब एक स्टेट लेजिस्लेचर नियम कानून बनाती है उसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल कैसे होता है, इसको अब यहाँ पे हम देखेंगे। सेंटर का कंट्रोल स्टेट के लेजिस्लेटिव मैटर्स के ऊपर किस तरीके से आएगा, उसके लिए जो पहली चीज है वो ये है कि जब भी कोई स्टेट लेजिस्लेचर अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई बिल पास कराता है तो वो बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होगा, अगर वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहां से पास होगा, और इन दोनों से पास होने के बाद वो फाइनली कहां पहुंचेगा, गवर्नर के पास पहुंचेगा। अगर उस गवर्नर को ये लगता है कि भाई इस बिल में कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इंडिया के संविधान के अगेंस्ट है, नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट है, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की बेसिक परिभाषा के अगेंस्ट है, तो उस केस में गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है। प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन का मतलब क्या हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की कंसीडरेशन के लिए उस बिल को रिजर्व कर दिया। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई कंट्रोवर्शियल बिल पास ही नहीं कर सकती, इस तरीके का अरेंजमेंट किया गया हमारे संविधान में। तो कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर अगर सेक्शनिस्ट टेंडेंसी दिखाने की कोशिश करती है, यानी वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अलग हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम ऑटोनॉमस हैं, ऑटोनॉमस हैं बट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अंदर, आप भारत को तोड़ने की बातें नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नियम कानून दिए, केवल आप उन नियम कानूनों की हद में रहोगे, उससे हद अपनी क्रॉस नहीं करोगे। अगर करोगे तो गवर्नर बैठा है, वो गवर्नर बिल प्रेसिडेंट को देगा और प्रेसिडेंट फिर उस बिल को या तो अलाउ करेगा या उसको वीटो कर देगा। एब्सोल्यूट वीटो की पावर है प्रेसिडेंट के पास। यानी मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल पास किया और वो बिल पहुंच गया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को अलाउ करे, प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वापस भेजे विद सम मॉडिफिकेशन, और उससे बोले कि देखिए इन सारे प्रावधानों पर आप फिर से सोचिए, फिर से एक नियम कानून बनाइए मॉडिफाई करके। मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर से वो प्रावधान बना के यहाँ पे भेज दिया, उस केस में भी प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो एक्सेप्ट कर ले चाहे तो रिजेक्ट कर दे। प्रेसिडेंट पहली बार में भी रिजेक्ट कर सकता है, समझ गया। तो प्रेसिडेंट के पास बड़ी ताकत है यहाँ पे, बशर्ते गवर्नर उसके पास भेजे, एक चीज हो गई। अब इसके चक्कर में दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की नहीं बन रही है, पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को काफी परेशान करती है गवर्नर के माध्यम से। ये इस चीज की थोड़ी सी खामियां है। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि भैया देखिए जो मैटर्स स्टेट लिस्ट में दिए हुए, ओके स्टेट लिस्ट में कुछ मैटर्स लिख रखे हैं भाई, ओके उन स्टेट लिस्ट पे लिखे हुए मैटर्स पे अगर स्टेट लेजिस्लेचर को नियम कानून बनाना है कुछ मैटर्स पे, तो प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट का। अब इसमें कौन सी चीज आती है भाई, देखिए फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पूरे इंडिया में है, तो गुजरात से लेके महाराष्ट्र जिसके बीच में जो भी ट्रेड है वो इन दोनों के बीच में, बट ये इंटरस्टेट ट्रेड है, हमारे देश की यूनिटी के लिए इंटरस्टेट ट्रेड होना बहुत जरूरी है। अब कल की डेट में अगर महाराष्ट्र की सरकार ये बोलती है कि भाई हम गुजरात से आने वाले आइटम को अपनी स्टेट बाउंड्रीज के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ऐसा कोई बिल महाराष्ट्र की सरकार अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास कराने की कोशिश करती है, तो भैया गवर्नर बोलेगा कि पहले इस बिल को रेफर करो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये बिल जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सही लगेगा तो ही वो अप्रूव करेगा। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सही लगने का मतलब किसको सही लगने की बात हो रही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, समझ गया। तो एंटी नेशनल चीज या कोई भी ऐसी चीज जो दूसरे स्टेट्स के इंटरेस्ट को और पूरे देश के इंटरेस्ट को वायलेट करे, उसको स्टेट गवर्नमेंट आगे लेके नहीं आ सकता, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स दिए गए हैं जिसके थ्रू निगेट किया जा सकता है। फिर देखिए अगर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई, हालांकि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं, अभी कोरोना पैंडेमिक के समय पे कहा जा रहा था कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, बट फॉर्चुनेटली फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं। तो मान लीजिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, उस समय पे जो स्टेट के मनी बिल होते हैं उन स्टेट के मनी बिल्स, नॉर्मली मनी बिल्स में देखिए कोई इंटरफेरेंस करता नहीं है, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना इतना पैसा दो, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से पैसा खत्म करती है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी स्टेट लिस्टेड असेंबली में मनी बिल लेके आती है। एक फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान इस तरीके के किसी मनी बिल को स्टेट गवर्नमेंट आने से रोक सकता है, ठीक है ना। नॉर्मल केसेस में मनी बिल्स नहीं रोकता स्टेट के सेंटर, ओके फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान रोका जा सकता है, हालांकि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है। तो आप देख सकते हो कि सेंटर के पास क्लियर कट सुपीरियरिटी की पोजीशन है स्टेट के ऊपर, और ये बहुत जरूरी भी है। किसने बोला था, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट ने बोला था सेंटर स्टेट रिलेशंस पे, जो कि 1983 से लेकर 88 में काम कर रही थी। सरकारिया कमेटी की रिपोर्ट ने बोला
ये देखिए, हमारी देश में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा कल्चरल अनइवननेस है कि अगर आप सेंटर को ज्यादा ताकत नहीं दोगे तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करने लगेंगी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करने लगेंगी तो सेंटर के डायरेक्शंस को सुनेंगे नहीं, उससे हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी को परेशानी होगी, स्ट्राइफ हो सकता है। सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई होगी तो सेंटर की बात ही नहीं मानेगी, बहुत सारे लीगल केओस मच जाएगा, जो ट्रेडर्स है वो अपना धंधा नहीं कर पाएंगे, जो लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे, ऐसी बहुत सी चीजें हो जाएंगी। इसलिए ओवरऑल शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक वेल मेंटेन्ड और स्मूथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क और मैकेनिज्म को बनाए रखने के लिए इस तरीके की सुपीरियरिटी सेंटर को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अगले वीडियो में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को शुरू करेंगे, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात होगी, ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट एंड सेंटर की बात होगी, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे एंड सेंटर्स डायरेक्शंस टू द स्टेट, खासकर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर किया मत जाइएगा, कोरोना से बचिए।